नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है और आप उसको फिर से ब्राइट और स्पॉटलेस बनाना चाहती हो तो आपके लिए एक खुशखबरी है। यह काम आप मिनटों में भी कर सकते हो और वो भी बिना किसी खर्च के। आपको क्या करना होगा, आपको अपने किचन में जाकर अपनी सब्जी की टोकनी से सिर्फ एक मीडियम साइज का आलू लेना है, समझे आप, क्योंकि आलू जो है वो स्किन की सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आपको क्या करना है, मार्केट से आलू का पाउडर भी मिलता है ना, तो आप वो खरीद कर ला सकती है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप बिल्कुल बहुत बिजी रहते हो, आप वर्किंग हो, तो इसके लिए आपके लिए है आलू का पाउडर, ठीक है। अगर आप वुमेन हो, सॉरी, अगर आप घर पे ही रहते हो और होम मेकर हो तो आप, मैं जैसे बता रही हूँ, आप इसको भी यूज कर सकते हो। आलू की अगर बात मैं करूँ तो आलू सबसे पहले तो उसकी एक खासियत है कि वो आपके चेहरे का कालापन दूर करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको उम्र से पहले अगर आपके चेहरे पर एजिंग के साइन आए हैं, एजिंग के निशान जो आपको दिखते हैं, ये उसको भी दूर करेगा। और तीसरा, ये आपके टैनिंग को भी दूर करेगा, ये आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करेगा, डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करेगा। बाप रे, इतने सारे फायदे हैं इस आलू के, तो हम क्यों ना फटाफट से एक आलू लेके रेमेडी तैयार करें, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स और बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ खाली बाउल, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पर आलू लिए है। देखिए, आलू को मैंने उबाल लिया है, काट के बारीक और छान लिया है, इसका छिलटा निकाल लिया था मैंने। ये देखिए, ये पूरा पक गया है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ले लेती हूँ अपने खाली बाउल में, ठीक है। और हमको ये कितना लेना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये देखिए, मैंने ना आलू को बारीक चम्मच से इस तरह से इसको बारीक मैश कर लिया, देखिए, ठीक है। अब हमको इसमें क्या मिलाना है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको इसमें लेना है शहद। शहद कितना लेना है, एक चम्मच के करीब, ठीक है। तो ये मैं शहद इसमें मिक्स कर रही हूँ। शहद और हम आलू को ना अच्छी तरह बारीक बारीक मतलब मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल चम्मच से कर रही हूँ इसको मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। हमको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप वर्किंग है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है आलू उबालने का, छीलने का, तो रेडीमेड पाउडर मिलता है आलू का, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने ले लिया है। अब हमको इसमें एक चीज और मिलानी है और वो है नींबू। तो एक से दो बूंद मैं लूंगी नींबू के रस की, ठीक है। नींबू की एक से दो बूंद ली हूँ मैंने, और इसको हम बहुत अच्छी तरह, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको चेहरे पर अपने अप्लाई करूंगी, ठीक है। आपको अपना फेस बिल्कुल क्लीन रखना है, ठीक है। चेहरे पर कोई भी धूल मिट्टी या गंदगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमको पूरे अपने फेस पर आलू को लगा लेना है। देख सकते हैं आप, बस बिल्कुल इसी तरह लगा लेना है।
भाई इसको रखना कितनी देर है? इसको रखना है कम से कम हमको 15 मिनट। जब ये सूख जाएगा तब मैं आपको अपना फेस वॉश करके दिखाती हूँ, तो मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट बाद। तो भाई चेहरा ना पूरा सूख गया है, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, ठीक है, और आपको दिखाती हूँ मेरा फेस। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मेरी स्किन बहुत ही आराम से निकल गया। ये मुझे लग रहा था कि बहुत चिकटा चिकटा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा, बहुत ही आसानी से निकल गया चेहरा धोने पर। तो फ्रेंड्स आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।